देश के देखिए ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से मौसम तो सुहाना हुआ है लेकिन जल जमाव ने कई जगह दुश्वारियां पैदा कर दी हैं। असम अरुणाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गुजरात राजस्थान में कई जगहों पर तेज बारिश हुई है, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में लोग समझ बूझ और एहतियात के साथ इन मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। मानसूनी फुहारों से देश का बड़ा हिस्सा सराबोर है। लगातार तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये असम के मोरी गांव की तस्वीरें हैं। उफनती ब्रह्मपुत्र का पानी यहाँ के कई गाँव में भर गया है। ऐसे हालात में हौसला बनाए रखते हुए लोग बचाव और राहत के इंतजाम में लगे हुए हैं। जी बहुत फ्लड है, पानी अभी ज्यादा है। कल रात से बहुत पानी हो गया, अभी दो हाथ हो गया और अभी सकल से दो हाथ हो गया। अभी इधर भी देखो ना कितना पानी आ गया, रास्ता डूब गया। तो पानी से बहुत आदमी लोग को मुश्किल होता है, बहुत आदमी का घर पानी के अंदर गया। असम का लखीमपुर, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क भी बाढ़ बारिश की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मौसम विभाग ने यहां अगले दो से तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का कहना है कि लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों को आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टैंड बाय रखा गया है। उत्तर पूर्व ही नहीं, देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर आई है। राजस्थान के धौलपुर में इंद्रदेव ऐसे मेहरबान हुए कि सड़कों पर मानो नदियां बहने लगी। यहां तक सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हो चुकी है। यहां धौलपुर में 189 mm, बाड़ी में 211, बसेड़ी में 225 और राजखेड़ा में 43 mm और सैपऊ में 98 mm बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों, गली मोहल्लों में घुटनों भर पानी भर गया है। लोग सावधानी और एहतियात के साथ मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। ये झारखंड के खूंटी शहर की तस्वीरें हैं। यहाँ के घरों, सड़कों, बाजारों, यहाँ तक कि मंदिर तक में बारिश का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जाम है, पानी पड़ेगा और थोड़ा सा ईंट साफ करेगा उसके बाद छोड़ देगा, वाला हो गया साफ। पूरा नाली साफ करेगा तो कोई दुकान में एक बूंद पानी नहीं होगा। यूं तो मानसूनी सीजन में जलभराव आम समस्या है, लेकिन ये तस्वीर मानसून से निपटने की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल भी खोलती है। बरसते बादल शहर शहर जलभराव का कारण बन रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और बेहतर इंतजाम लोगों को बड़ी राहत दे सकते हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा और खूंटी से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।